क्या हो गया, मुर्गी उठ गया क्या? और अभी खेती वगैरह हो गया? नहीं तो पानी। कहाँ गए थे? हटिया। क्या क्या लाए? केला, लहसुन, तेज पत्ता। हेलो नमस्ते आदाब, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर से एक बार झारखंड के वादियों में हूँ और आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, एकदम बादल बादल होके रखा है एकदम। और अभी जो मैं हूँ, एक काली पाथर गाँव का नाम है और ये एक आदिवासी गांव है, संथाल आदिवासी का गांव है। तो आज हम लोग देखेंगे इस संथाल आदिवासी गांव के लोगों का रहन सहन, यहाँ की खान पान और यहाँ की सारी समस्याएँ, क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या नहीं, इन सब बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। गांव बहुत ही छोटा है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले गांव के एंड से शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। एंड में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, पास बांस के झाड़ के सामने दीदी लोग बैठी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रहा है। और ये किसी एयर कूलर से कम नहीं है, ये एकदम प्रकृति का ठंडा हवा प्रदान कर। क्या बना रहा है इससे, क्या बनाएंगे? झाड़ू नहीं, क्या बना रहा है? और चटाई बनाएंगे ना। अच्छा, और इधर ऐसे वो कैथा है ना, हाँ जिसको बिस्तर इस तरह, जैसे ये इसी चीज़ का बना हुआ ना जो आप बना रहे हैं? हाँ। अच्छा जी, और इधर एक नल है। ताज हटिया वगैरह था कुंडे, इसमें नहीं गए थे? हटिया नहीं गए थे। नहीं। और अभी खेती वगैरह हो गया? नहीं तो पानी नहीं है, तो पानी नहीं है ना। अच्छा, धान वगैरह फेंके हैं कि नहीं खेत में? फेंके हैं। बड़ा हो गया? नहीं नहीं हुआ, बहुत छोटा है। छोटा ही है, वर्षा होगा तब ना बड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, होता है। लेकिन गाइस, इधर एकदम खूबसूरत ठंडा हवा चल रहा है और मौसम भी ऐसा है, धूप वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ही मस्त जगह है। अरे क्या लाए दीदी, क्या लाए हैं? टिफिन? कहाँ, खेत में ले जाएंगे क्या? अच्छा, अंकल खेत में है क्या, हल वल जोत रहे हैं? ना। अच्छा, बगार। बैल वैल चला रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, कैसे है भैया, बढ़िया? तो ये नी गांव के एक भैया हैं। तो कहाँ चले अभी? कहाँ चले, इधर इधर खेत तरफ। अच्छा, तो धान वान फेंक जोते हैं कि नहीं? खेती होती चाहिए कि नहीं? खेती कहाँ, पानी भी नहीं, बारिश पानी नहीं है। बारिश के चलते पूरा एकदम अभी बवाल मचा हुआ है, खेती नहीं हो रहा है। और अभी ये जुलाई एंड का महीना चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वैसे बादल बदल कर रहा है लेकिन पानी नहीं हो रहा क्या? अच्छा, आप इधर देख सकते हैं, इधर पूरे गांव में मिट्टी के घर नजर आएंगे। दोस्तों, आदिवासी जो गांव होते हैं, जो संथाल आदिवासी होते हैं, इनके कल्चर, इनके लोकगीत बहुत ही सुंदर होते हैं। और आदिवासी जो गांव होते हैं ना, तो उनके रहन सहन में जैसे साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा जा सकता है। कुछ एकाध दो गाँव ऐसे आपको मिल जाएगा जो उतना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव मैंने ट्रेवल किया हूं तो साफ़ सुथरा देखने को मिलता है। जैसे ये गांव को भी देखें, रास्ता उतना कीचड़ नहीं है, साफ़ सुथरा है। और बुढ़िया लोग क्या हो रहा है, हाँ कुछ नहीं, स्कूल जाती हो? हाँ। कौन से क्लास में? 11 में। अच्छा, ये कुंडाइत में। अच्छा, तो देखें ऐसे छोटे छोटे आपको मकान मिल जाएंगे सारे मिट्टी के। दिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको निपाई पोताई किया गया है, और नीचे वाला जो है ये गोबर से लेपा गया है। और इधर मिट्टी मिलते है, इसको खड़ी मिट्टी बोलते हैं, बाजारों में मिल जाता है और उसी से इसको रंगाई किया गया है। तो इतने में गांव समाप्त हो जाता है। अब गांव के हम लोग शुरुआत मुहाने पर पहुंच गए हैं, जहां मेरे बाइक पार्क है इधर। क्या हो गया, मुर्गी उठ गया क्या? चल रहे हैं आगे। और इधर आप देख सकते हैं एक पेड़ नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ एक दादाजी का एक आदमी लेटे हुए हैं। जोहार, कैसे? बढ़िया। देखिए जी, यहाँ खूबसूरत आम का पेड़ है और नीचे लेटे हुए, मतलब ये हजारों करोड़ों आपके पास दौलत होगा, लेकिन इस तरह का सुकून का नींद पेड़ों के सामने ये कहीं नहीं मिलेगा। कपड़ों को सुखाने के लिए एक तार टंगा गया है और सारे कपड़े लदे हुए हैं इनके ऊपर। और इधर आपको बहुत सारे ताल के पेड़ नज़र आएंगे। और यहाँ एक देखिए छोटा सा तालाब है। देखिए बतख कैसे डुबकी लगा रहा है, देखिए। और इनके आवाज़ देखिए, आवाज़।
अभी थोड़ा खेत के तरफ आ गए हैं। ये बरगद का एक बड़ा सा पेड़ आपको नजर आएगा और मुझे एक चीज दिखाई मिला, अभी दिखाते हैं। इधर देखें, एक घर नजर आ रहा है बड़ा सा, ये मुखिया जी का घर है। गांव के मेन रास्ता से निकल के अभी जो है इधर उधर बीच से इधर उधर से घुस रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए कुआं है, इधर बाथरूम किसी का बना हुआ है, ये कुआं है, कुआं में पानी है वो भी गंदा। और इधर एक बैलगाड़ी, और इधर अगर चले तो इधर एक नाला बनाया गया, सामने एक नल है इसीलिए यह नाला बनाया गया है, नाला सीधे इधर जाता है, इधर पूरा गंदगी फैला हुआ है। और घर को देखें कुछ ऐसा है भाई साहब, गर्मी एकदम बेहाल कर दिया, भले ही मतलब बादल वगैरह किया हुआ लेकिन उमस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए पसीना पसीना हो गया हूँ। देखिए मुर्गी, सब लड़के भाग रहे हैं, लग रहा कि मैं कोई ऐसा शख्स आ गया हूँ कैमरे से देख के भाग रहा है। आ जाओ डरो मत, लगे कौन क्लास में पढ़ती हो? हाँ वन क्लास में, सारे वन क्लास में तो अच्छा। और बीच बीच में संथाली भाषा में क्या बोल रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और अभी स्कूल छुट्टी हुआ, अभी 3:30 हो रहा है, स्कूल छुट्टी हो गया। और आम के सामने ये देखें जी, कैसे जंगल से ये लाया जाता है, ये सब लकड़ी वगैरह, और इस तरफ बांध करके, और जो आदिवासी महिलाएं होते हैं उन वो सर पे एक एक बोझ लाद कर ये फिर गांव तक लाते हैं। काम फिनिश हो गया, काम फिनिश, अभी चल ही रहा ये वाला, कंप्लीट हो गया ये वाला चालू है। अच्छा तो आप लोग कितना लेबर मिस्त्री लगे हैं? कितना लेबर मिस्त्री लगे हैं? लेबर तीन गो। अच्छा ये सरकारी आवास है ना? अच्छा सामने एक कटहल नजर आएगा, और ये कटहल का पेड़ मेरे भी एक घर में है। कहाँ गए थे? हटिया, हटिया। क्या क्या लाए? केला, लहसुन, तेज पत्ता। आज मंगलवार है ना। और जोहर दादा कैसे? अच्छा जोहर दादा, बढ़िया। चलिए 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 आइए घर तरफ। और ये देखें ऐसे, ये कौन सा घर? ये जानवरों को बांधने के लिए, ये बकरी में ये सिर्फ बकरी पालते हैं? हाँ। और बैल वगैरह नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। हाँ। अभी खेती हो रहा है ना, पानी की चलते नहीं हो रहा, पानी की चलती नहीं हो रहा। और इधर बैल वैल बांधते हैं क्या? हाँ। और ये वाला बकरी के लिए? हाँ। अच्छा ये बच्ची देखिए, इसका माँ कहाँ गई? माँ उधर खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। अच्छा जी आइए। और ये इनका घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है, मट्टी का घर है, सामने दो पपीता का पेड़, यहाँ एक कुआं। आप लोगों का आवास वगैरह नहीं मिला सरकार से? नहीं मिला। मतलब इससे पहले मतलब गांव के अंदर तरफ रहते थे ना? गांव के भीतर में रहते थे, गांव के भीतर में। तो ये देखे जी, ये पूरा आपको घर नजर आएगा। और ये बेदना का पेड़ है क्या? अच्छा तो अभी छोटा छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ ना। ये पानी वानी डालते हैं इसको रोजाना थोड़ा थोड़ा? जोहर दादा, बढ़िया है? अरे मूढ़ी लेके आए क्या? खाइएगा, अभी नाश्ता कीजिएगा। और झारखंड का फेवरेट चीज़ है मूढ़ी। कुआं में पानी है? कुआं में पानी रहता है? हाँ पानी तो मतलब कुआं का ही पानी पीते हैं क्या? हाँ। नल वगैरह इधर नहीं है सामने कहीं? नहीं है, मतलब घर में कुआं खोदे हैं उसी से पानी पीते हैं। अच्छा और आपके के को बच्चा बच्ची है? एक को बेटी, एक को बच्चा। ये एक बेटा एक बेटी। हाँ। स्कूल जाती है दोनों? हाँ। जाती है ना। और इसे काम क्या करते हैं खेती बाड़ी के अलावा? खेती करते हैं तो हम लोग ये जहाँ पर काम होता है वहाँ पर चलते हैं, मिट्टी खरीदने के लिए जाते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं ऐसे। हाँ। बाकी टाइम में? हाँ। अच्छा अच्छा सारा घर का दृश्य कुछ ऐसा है, ऐसे रहते हैं, ऐसे घर के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और बाकी गाँव का ब्यौरा आपको दिखाते हैं। हाँ हटिया से आ रहे हैं क्या? हाँ? हटिया से आ रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा
हटिया कर लिया? हाँ हाँ कर। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं? घर? घर जा रहे। कहाँ गाँव हुआ आपका? सौराकी में। सौराकी में? हाँ। तो मतलब सौराकी से तो कुंडेत हटिया 5-6 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। पैदल चले जाते हैं? पैदल। हाँ, इस उम्र में पैदल ही चले जाते हैं? हाँ हाँ। अरे बाप रे। और आप लड़की बच्ची हाथ में लेकर भी हटिया चले जाते हैं इतना दूर? हाँ। अरे चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों अभी हम आ गए हैं, देखिए स्टेडियम है, और ये मैंने स्टेडियम का एक वीडियो स्पेशल वीडियो बनाया है स्टेडियम का, लेकिन गांव का कभी नहीं बनाया था, इसीलिए मैंने ये गांव का आपको आज वीडियो दिखाया। तो थोड़ा बहुत अभी दिखा देता हूं, और पूरा वीडियो अगर स्टेडियम को देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में सबसे नीचे चले जाइएगा और आपको मिल जाएगा इस स्टेडियम का।